चाहिए देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं गौतम और मैं रहूंगा आपके साथ हरदम। तो गाइस, फाइनली 10 दिन के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूं, क्योंकि जो क्या है कि मेरा बीच में जो मेरा तबीयत था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे बुखार वुखार हो गया था। और यहाँ पर बुखार का निशान जो वो क्या बोलते हैं उसको, बुखार के बाद होता है, तो वो सारा यहाँ पर हो गया था और मेरी नाक में हो गया था, तो मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली अभी मैं ठीक हो गया हूँ और ये देखो मैं बिल्कुल बाबा बन गया हूँ, क्या बताऊँ। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें हो गए हैं, तो आज इसको साफ करेंगे, सैलून जाएंगे। तो दीदी अभी सोई है, देखो सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक ये सो रही है। और क्या है कि कल रात को हमने देर से सोए थे। हाँ, एक गुड न्यूज़ गाइस, जो मेरी मम्मी है तो वो गए थे मुंबई में मेरी बहन के पास, क्योंकि मेरी बहन जो है मुंबई में रहता है, उनकी शादी हो गई और वो उनके जीजू जो हैं वो मुंबई में कहीं जॉब करते हैं, तो दोनों वहीं पर रहते हैं। और मम्मी गई थी उनके पास तो घूमने के लिए गई थी इसे, और बहुत दिन हो गया वहीं पर उसको रहते हुए। तो फाइनली हम उनको घर ला रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन आ गया, बहुत याद आ रही है मम्मी की। और कल रात को क्या है कि हम बाबा को स्टेशन छोड़ने गए थे और आते वक्त बहुत लेट हो गया, ट्रेन भी आ गया और बाबा को बिठा लिया। अब बाबा गए हैं मुंबई, तो क्या है कि इसी वजह से लेट हो गया बहुत। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और दीदी सोई है और अभी उठ जाएगी, बहुत देर सोई है, मैं उसको उठा रहा हूँ। तो चलो, आज मौसम बहुत साफ है और मस्त लग रहा है बाहर, एकदम एक फ्रेश सी हवा आ रही है, नेचुरल सी हो रही है। हम पहाड़ी के ऊपर रहते हैं ना, इसलिए। तो गाइस, हाँ एक क्वेश्चन और, बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी, आई थिंक बहुत लोग नहीं है, इतने भी सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, तो जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं तो वो पूछ रहे थे तुम कहाँ से हो। तो मैं गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पुरी से रहता हूँ, जगन्नाथ धाम से। और अभी तो अभी मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं गाइस, आई थिंक 8:30 हो गए हैं, मतलब 8:30 मतलब 8:30 होता है। तो आज गाइस एक स्पेशल खाना है हमारे पास, क्योंकि कल रात को ही चावल को, हमारा उड़ीसा का खाना है बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल पखाड़ो। तो आज हम अंडे के साथ पखाड़ो खाएंगे, पखाड़ो हमारी उड़ीसा की बहुत अच्छी फूड है। तो गाइस मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, मौसम बिल्कुल साफ है और कोयल हमारी साइड में एक पेड़ में बैठा है, वहीं पर आवाज आ रही है, तो आपको दिखाती हूँ, रुको थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद बाहर दिखाऊंगा। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, यहीं पर कहीं पर बैठा था वो कोयल छोटा सा, हर दिन आता रहता है यहीं पर, तो अभी शायद निकल गया होगा, अभी तो आवाज आ रहा था, तो छोड़ो उसको, बाद में दिखाऊंगा। और ये देखो गाइस यार कितना अच्छा लग रहा है, एक नंबर, सूरज भी आ गए हैं, ये हमारी रूम है और ये हमारी तुलसी का पौधा और ये है हमारी फूल का पेड़ नहीं है, पौधा है। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत फ्रेशनेस से थोड़ा सा आ रही है। तो गाइस आज के दिन स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से, तो मैं आज मेडिटेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान कर रहा हूँ और एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलूंगा। तो गाइस फाइनली मैंने फ्रेश हो गया हूँ और आज को जो उड़ीसा का फेमस फूड है पखाड़ो और अंडे का आमलेट, तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ खाने के लिए, तो आपको दिखाती हूँ खाने में क्या है। तो गाइस ये देखो, ये है पखाड़ो और ये अंडे का आमलेट, तो इसे मस्त खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस ये खाने, तो खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। चलो तो गाइस आज मैंने पखाड़ खा लिया, आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने पखाड़ नहीं खाया था, तो आज खाया, आज अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलो अभी चलते हैं सैलून में, क्योंकि बहुत दिन हो गया, ये सब कट करना है मुझे और दाढ़ी वगैरह ये सब साइज करना है, तो चलो चलते हैं सैलून को, देख रहे हैं कहाँ पर है
और कटिंग करेंगे, उसके बाद आके नहाएंगे और आज ड्राइंग बनाएंगे। बहुत दिन हो गया ड्राइंग भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत जो था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना ही ब्लॉग ना ही आर्ट वीडियो, कुछ नहीं बनाया। तो आज सब कंप्लीट करेंगे, तो चलो सैलून के लिए मैं निकलता हूँ, चलो आपको दिखाऊँ। तो गाइस मैं अभी रूम से निकल गया हूँ, अब जा रही हूँ सैलून में, देखते हैं आज कौन सा सैलून खाली है। तो गाइस ये वाला सैलून आज काफ़ी खाली है। गाइज फाइनली मैंने सारा शेविंग वगैरह खत्म कर लिया है, ये देखो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना प्लीज। तो मैं अभी जा रही हूँ रूम के लिए, तो चलो तो भी निकल गया हूँ सैलून से, तो चलो चलते हैं, वहाँ पर है हमारा रूम। तो गाइज मैं अभी आके घर पहुँच गया हूँ और दीदी अभी नहा रही है, तो उसके बाद मैं ही जाऊँगा नहाऊँगा, उसके बाद पर फ्रेश रहेगा प्रशांत, तो उसके बाद खाना खाएंगे और मैं ड्राइंग बनाऊँगा। तो चलो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग रखना। तो गाइज हमारा खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आज मैं क्या है कि ड्राइंग नहीं बना पाया क्योंकि सैलून में भीड़ हो गया था, तो घर लौटने में थोड़ा लेट हो गया, तो ड्राइंग नहीं बना पाया, मैं आपको कल बना के दिखा दूँगा। तो गाइस आज एक दीदी का एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, तो उसे अनबॉक्स करते हैं, चलो। वाओ ईयरबड्स, इसे खोला नहीं जा रहा है, खुल गए। तो गाइज स्पेस है हमारा न्यू ईयर बॉक्स, इसे ये गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे, लेकिन ये जो है ये दीदी के लिए है, मेरे लिए बाद में आएगा। अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करके देखते हैं क्या है, होता है, क्योंकि पिछला वाला इससे पहले भी एक आया था वो थोड़ा डिफेक्टिव था, इसलिए एक्सचेंज करके आज ये आया है। ये देखो गाइज इतना क्यूट सा है ना, बोर्ड का है, क्यूट सा है बहुत। तो गाइस दीदी की ईयरबड्स हमने मैंने टेस्ट करके देखा, तो साउंड क्वालिटी वाइज बहुत क्या बात है। तो ये था दीदी के लिए और मेरा जो है बाद में आएगा, थोड़ी देर में आएगा, बहुत मेरा जब आएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है कि बोर्ड का जो साउंड क्वालिटी है ना भाई एक नंबर। तो फिलहाल मैं अब थोड़ा सोता हूँ, तो ये देखो बोर्ड का ये है, जब भी लेना इसको ही लेना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करके जरूर देखना। तो गाइस चलो आज शाम का थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे प्रोग्राम में, तो चलो मैं भी सोता हूँ, शाम को मिलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए ना यार, बहुत काम है, तो चलो। तो गाइस अभी देखो शाम हो गया है और दीदी भी सो रहा था, उठ गया है, दीदी उठ गई। और ये देखो गाइस ये हमारा नया, तो गाइस हम फटाफट से पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पार्क चलेंगे। तो हाँ तो फाइनली मैं पूजा वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे दीदी और मैं जाएंगे पार्क में, थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद घर आएंगे। तो चलो मैं पूजा कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस मैं अभी पार्क में पहुँच गया हूँ, ये देखो, और आज पार्क में थोड़े बहुत लोग हैं लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं, खाली खाली सा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, मैं यहीं पे बैठा हूँ, देखो दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर घूमते हैं, तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो गाइस मैं भी पार्क से आ गया हूँ और घर जा रहा हूँ, तो पार्क में आज ज़्यादा ठंडी हवा आ रहा था तो इसीलिए मैंने आ गया, तो चलो चलते हैं रूम में। तो ये देखो गाइस मैं और थोड़ी देर है मैं रूम में पहुंच जाऊंगा, आज बहुत ठंडी हवा आ रहा था तो इसलिए मैंने आ गया, तो चलो चलते हैं रूम में, रूम से मिलता हूँ। तो
गाइस मैं आके घर पहुंच गया हूं, तो दीदी आज खाना बना रही है। देखो ये शक्कर का होते है ना, चीनी का पराठा। ये चीनी का पराठा आज बना रही है मेरे लिए, दो बना रही है, एक इसके लिए और मेरे लिए। और ये हमारी रोटी भी बनेगा और आलू आलू और गोभी की सब्जी। चलो मैं जो चीनी का पराठा खाता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगता है तो चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या हुआ। ये देखो गाइस, ये है चीनी का पराठा और एक बन रहा है अभी, ये बना रही है। इसको बहुत अच्छी तरह से आता है चीनी का पराठा बनाना। और ये हमारी आलू और गोभी की सब्जी ये बन गई है। और ये अभी ये बनेगी, ये सारी ये रोटी बनेगी। सिर्फ यही दो पराठे बने बनाया है तो उसके बाद ये रोटी बनेगी, उसके बाद हम खाएंगे। तो चलो मेरा चीनी पराठा को टेस्ट करके देखते हैं। गर्म है बहुत। आओ भाई जी, देखो बढ़िया, सुपर टेस्ट इज टेस्ट। तो गाइस हमारा रोटी और सब्जी बन गया है, तो हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। और आज दीदी रोटी ने बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल सॉफ्ट है और गरम गरम ही है। तो चलो चलो खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है, दीदी को भी लगी है। तो चलो खा लेते हैं, खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया है, दीदी अभी सोने चली गई क्योंकि उसको बहुत टायर्ड लग रहा था, वो सोने के लिए चली गई और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठा हूँ। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज कमेंट मी, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट गाइज एंड स्वीट ड्रीम। जय जगन्नाथ।